हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बी प्रोडक्ट्स के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, कहाँ कहाँ बेसिकली इनका यूज़ होता है या फिर किया जाता है, हम उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि जो इंपॉर्टेंट बी प्रोडक्ट्स हैं दैट आर हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी वेनम, प्रोपोलिस एंड पॉलन। तो ये टोटल 6 जो हैं इंपॉर्टेंट बी प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें भी अगर हम बात करें तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दी हनी। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं लेकिन अपने अपने एडवांटेज के बेसिस पे। यानी हनी जो है बहुत ही ज़्यादा हमें कह सकते हैं कि हेल्थ बेनिफिट देता है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बी वैक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, रॉयल जेली का अपना पर्पस है। तो उसी तरीके से हम हर लेक्चर में एक एक या फिर कह सकते हैं कि दो दो करके जो भी इनके बी मतलब बी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो आज का हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली कंसेंट्रेटेड है ऑन हनी। ठीक है, सो हनी क्या है? तो अगर हम बात करते हैं हनी के सिंपल मतलब के बारे में, मतलब हनी को हिंदी में क्या करते हैं, आपने सुना होगा मधु, ठीक है, या फिर मध या फिर हनी जो है वो ही पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है दैट ऑफ दी हनी बी। जो कि हनी क्या होता है, आप जो साइड में इमेज देख रहे हो दैट इज़ हनी। इट इज़ अ स्वीट विस्कस फ्लूइड, ठीक है, विस्कस मतलब गाढ़ा, प्रोड्यूस्ड बाई हनी बीज। ठीक है, कलेक्टेड एज नेक्टर फ्रॉम दी नेक्टेरिस एट द बेस ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मतलब फ्लावर के बेस में इस रीजन से, ठीक है, नेक्टर को कलेक्ट किया जाता है। ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम दी एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज। आपने देखा होगा बेसिकली जो हनी बीज हैं वो, अगर ये फ्लावर है, ठीक है, तो हनी बीज इनके यहाँ पे से ही नेक्टर को सक करती हैं अंदर से। ठीक है, दिस इज हनी बी का माउथ और दिस इज प्रोबोसिस जो कि यहाँ से नेक्टर को इस रीजन से कलेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्टर को सिर्फ फ्लोरल पार्ट से ही कलेक्ट किया जाता है, नेक्टर को एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज से भी कलेक्ट करती हैं हनी बीज। ठीक है, नेक्टर सिक्रीटेड बाय अदर पार्ट्स अदर दैन दी फ्लावर्स, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। ठीक है, कलेक्टेड ऑल्सो फ्रॉम फ्रूट जूस एंड केन जूस, वहाँ से भी नेक्टर को कलेक्ट किया जाता है हनी बी द्वारा। अगर हम बात करें कलेक्शन एंड राइपनिंग ऑफ हनी के बारे में, यानी कलेक्शन किस तरीके से किया जाता है और कौन करता है और हनी जो है राइप कब होता है, ठीक है, कब हम मानते हैं कि हनी जो है रेडी है। ठीक है, सबसे पहले बी ड्रॉज नेक्टर बाय इट्स टंग। ठीक है, लॉन्ग टंग, टंग दैट इज प्रोबोसिस, उनको प्रोबोसिस कहते हैं। तो प्रोबोसिस के हेल्प से वो नेक्टर को ड्रॉ करती हैं फ्लावर या फिर जो भी नेक्टरिस रीजन है या फिर एक्स्ट्रा फ्लोरल रीजन है जहाँ से वो नेक्टर कलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उसको फिर रीगरीगेट करती हैं फील्ड बीज। ठीक है, इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ बीज दैट इज कॉल्ड फील्ड बीज, जो रीगरीगेट करती हैं, यानी जिसको कहते हैं वॉमिट करना, वापस से निकालती हैं कॉम में। ठीक है, कलेक्टेड बाई बी हाइव्स बेसिकली, सॉरी हाई बीज, इसका जो कलेक्शन होता है वो कौन करता है, हाई बीज करती हैं और उसको डिपॉजिट करती हैं सेल्स ऑफ द कॉम, यानी जो छत्ता है वहाँ पे इसको डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ हेक्सागोनल पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्टर का जो न्यूट्रिएंट जो है उसमें उसको हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक है दैट इज ऑफ सुक्रोज। सो नेक्टर कंटेंट्स 20-40% ऑफ द सुक्रोज। ठीक है, ये जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट किया जाता है, एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है डेक्स्ट्रोज में। डेक्स्ट्रोज जो है एक फॉर्म है ग्लूकोज का, और लेव्यूलोज जो एक फॉर्म है फ्रक्टोज का। कहने का मतलब है सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन, इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम आता कहाँ है, प्रेजेंट इन द नेक्टर इटसेल्फ। ठीक है, एंड इन द सलाइवा ऑफ हनी। ठीक है, मतलब सलाइवा ऑफ हनी बी होना चाहिए, इन द सलाइवा ऑफ हनी बी। तो दो जगह प्रेजेंट है इन्वर्टेज एंजाइम, इन द नेक्टर इटसेल्फ एंड इन द सलाइवा ऑफ द हनी बी। राइपनिंग ऑफ हनी इज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर बाय द फैनिंग ऑफ द विंग्स। जो हनी बीज हैं वो लगातार क्या करती हैं, अपने विंग्स को हिलाते रहती हैं, दैट इज द फैनिंग प्रोसेस, और फैनिंग प्रोसेस की वजह से इवेपोरेशन ऑफ द वाटर हो जाता है जो कि हनी बी के, सॉरी हनी के राइपनिंग में हेल्प करता है। तो पहला तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन बाय द फैनिंग ऑफ विंग्स एंड द सेकेंड एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज। सो अगर हम बात करते हैं राइप हनी के बारे में, यानी जो रेडी हनी है उसके बारे में, तो उसमें अगर हम कॉम्पोजिशन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है लेव्यूलोज, देन डेक्स्ट्रोज, देन सुक्रोज, देन डेक्सट्रीन, मिनरल्स एंड वाटर्स। ठीक है, एंड अनडिटरमाइन समथिंग लाइक एंजाइम्स, विटामिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। सो लेव्यूलोज जो है वो 41% है, डेक्स्ट्रोज 35%, सुक्रोज 1.9%, डेक्सट्रीन्स 1.5%, मिनरल्स होते हैं 2%, वाटर 17%,
एंड अगर हम बात करें अनडिटरमाइंड लाइक एंजाइम विटामिन्स एंड पिक अदर पिगमेंट्स लाइक 1.6%। पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं आप जानते हो, हनी भी, हनी का जो कलर होता है दैट इज येलो रेडिश कलर, सो दिस इज ड्यू टू द कैरोटीन, क्लोरोफिल एंड जेंथोफिल। सो दीज आर द बेसिक पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द हनी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हनी के अंदर में, यानी जो हमारा राइप्ड हनी है दैट इज पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, सल्फर, सिलिका एंड आयरन, ये इतने सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हनी के अंदर में। विटामिन में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन B1 दैट इज थियामीन, ठीक है, B2 राइबोफ्लाविन, ठीक है, निकोलिनिक एसिड, विटामिन के, फॉलिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड, ये जितने विटामिन हैं ये प्रेजेंट होते हैं राइप्ड हनी में। अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हनी के बारे में, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है टुवर्ड्स वाटर एंड एयर। तो हनी जो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, दैट मीन्स वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इफ एक्सपोज टू एयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं एयर के अंदर में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अगर हनी को एक्सपोज किया जाए एयर से। हनी इज अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है, हीटिंग ऑफ हनी रिड्यूसेस विस्कोसिटी, यानी गाढ़ापन जो है हनी का उसको कम किया जा सकता है अगर हम हनी को हीट कर दें। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी अगर हम बात करें प्योर हनी का, वो रेंज करता है 1.35 से लेके 1.44 ग्राम्स पर ml, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी अगर हम बात करें तो उससे हम प्योरिटी के बारे में पता कर सकते हैं कि हनी इज प्योर और नॉट, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू फाइंड द मॉइस्चर कॉन्टेंट मेजरिंग, जिसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हनी का प्योरिटी में भी हेल्प करता है। दूसरा चीज़ है कि मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट से भी हमें पता लगता है कि जो हनी है वो ख़राब तो नहीं हुआ है या फिर उसका फर्मेंटेशन तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी जस्ट मैं बात करूँगा। सो अगर मैं बात करूँ प्योरिटी टेस्ट ऑफ हनी के बारे में, तो एक तरीके से किया जाता है, मतलब एक ही तरीका है कहने का, मतलब जो सिंपल तरीका है दैट इज़ द मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी आपको डेंसिटी ऑफ हनी जो है वो नापना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर, ठीक है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जो डेंसिटी है वो लाई करती है 1.25 से लेके 1.44 के बीच में, देन दैट इज़ द प्योर हनी, ठीक है। अब हम बात करें हनी भी जो है वो हनी जब कलेक्ट करके लाती है तो उनमें जो एरोमा और फ्लेवर होता है वो कहाँ से आता है, ठीक है। तो एरोमा दैट इज़ द स्मेल एंड फ्लेवर इज द टेस्ट, ठीक है। तो एक्वायर्ड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो फ्लावर होता है उनसे ही हमें एरोमा एंड फ्लेवर मिलता है, ठीक है। ये जो एरोमा और फ्लेवर जो है वो लॉस्ट हो जाएगा यानी उड़ जाएगा, निकल जाएगा अगर हमने उनको हीट कर दिया या फिर एक्सपोज कर दिया एयर से लंबे समय के लिए। तो ये एरोमा एंड फ्लेवर का कंडीशन है, यानी कब तक मेंटेन रखा जा सकता है, यानी हनी को हमें पैक्ड रखना चाहिए। अगर हम बात करें हनी के कलर के बारे में, तो ये डिपेंड करता है कि हमने या फिर कह सकते हैं कि हनी बी ने जो नेक्टर है वो कौन से फ्लावर से कलेक्ट किया है, यानी प्लांट स्पीसीज पे डिपेंड करेगा कलर। डार्कर हनी जो होता है वो बेसिकली स्ट्रॉन्गर फ्लावर से लेकर आती हैं वो, ठीक है। स्ट्रॉन्गर फ्लावर कहने का मतलब जिनका जो स्मेल होता है, एरोमा जो होता है बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लाइटर हनी जो है यानी जो डार्कर नहीं हो, लाइट कलर की जो हनी दिखते हैं वो बेसिकली उनका स्मेल भी प्लीजेंट होता है और वैसे फ्लावर से लेकर आती है जिनका जो स्मेल है दैट इज़ प्लीजेंट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द फर्मेंटेशन ऑफ हनी। तो बेसिकली हनी भी जो है वो फर्मेंट करता है। हनी कंटेनिंग हाई मॉइस्चर कैन फर्मेंट, अगर हनी में ज़्यादा मॉइस्चर कॉन्टेंट है तो फर्मेंट कर जाएगा। शुगर टॉलरेंट ईस्ट प्रेजेंट इन दी हनी कॉज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो देखिए शुगर टॉलरेंट ईस्ट जो होता है प्रेजेंट होता है ऑलरेडी हनी के अंदर में, अगर ये कब एक्टिवेट हो जाएगा जब इसमें वाटर या कह सकते हैं मॉइस्चर लेवल बढ़ जाए, ठीक है। फर्मेंटेशन मोर एट, अगर हम बात करें किस टेम्परेचर पर फर्मेंटेशन होने का ज़्यादा चांस है हनी का, दैट इज 11 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्मेंटेशन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अगर बात करते हैं हनी अगर फर्मेंट कर गया तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल जो है लेटर कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक एसिड में, ठीक है। और एसिड का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली खट्टा होता है, तो अगर हनी फर्मेंट हो गया है या फिर कह सकते हैं अगर आपको हनी अगर खट्टा लग रहा है दैट मीन्स वो जो हनी है ख़राब हो चुका है, दैट इज़ वो फर्मेंट हो चुका है, यानी फर्मेंटेड हनी का जो टेस्ट होता है सावर होता है ड्यू टू एसिडिटी, ठीक है। अगर हनी को हीट करते हैं 64 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट्स तक, तो वो ईस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा यानी ख़त्म कर देगा, जो कि हनी के का जो फर्मेंटेशन है उसको प्रिवेंट करता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द क्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रैनुलाइजेशन ऑफ हनी, ठीक है। यानी हनी के अंदर हमें पता है शुगर्स प्रेजेंट हैं और वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं,
ठीक है। तो ये जो है क्रिस्टलाइजेशन और ग्रैनुलाइजेशन यानी ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है हनी की, ठीक है। पार्टिकुलरली एट लो टेम्परेचर यानी फ्रिज वगैरह में आप बहुत ज़्यादा करते हो तो ये ग्रैनुल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट इन दी हनी ग्रैनुलेट एंड सफर डाउन, कहने का मतलब है जो डेक्स्ट्रोज यानी ग्लूकोज का जो फॉर्म प्रेजेंट है वो ग्रैनुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है। लेव्युलोज एंड वाटर रिमेन्स स्टॉक, ठीक है, मोर प्रोन टू फर्मेंटेशन, ये ऊपर में ही रह जाते हैं और यही एयर के कॉन्टैक्ट में रहेंगे ना फिर, तो इनका फर्मेंटेशन होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। हाई लेवल कह सकते हैं कि अगर हाई लेवल का रेशियो है इनका लेव्युलोज बाई डेक्स्ट्रोज यानी एल बाई डी रेशियो अगर हाई है तो ग्रैनुलेशन का जो चांस है वो कम है, मतलब लेव्युलोज अगर ज़्यादा है तो ग्रैनुलेशन का चांस जो है कम है, फर्मेंटेशन का चांस ज़्यादा है लेकिन ग्रैनुलेशन का चांस कम है, ठीक है। अगर हाई रेशियो है किसका, डेक्स्ट्रोज बाई वाटर यानी डी बाई डब्ल्यू, देन ग्रैनुलेशन का चांस ज़्यादा है। सो ये था हमारा पहला बी प्रोडक्ट दैट इज़ हनी। आई होप आपको जो आज का लेक्चर है वो समझ में आया होगा। सो आप देख सकते हो हमने अभी इन 6 बी प्रोडक्ट्स में हमने पहला हनी के बारे में डिटेल पढ़ लिया है। अब कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा बी वैक्स और रॉयल जेली के बारे में, और उसके अगले लेक्चर में बात करेंगे हम बी वेनम, प्रोपोलिस एंड पॉलन के बारे में। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको वहाँ पे जरूर से आंसर करूँगा। सो गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें @GoForAgriculture। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।